तो जितने भी शरीफ लोग हैं, मेहरबानी करके मेरा वीडियो देखने का नहीं। खड़ा है लंड। आजा। आ रहा हूँ बहनचोद, गाना गुच्छा इंसान के। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। झलक दिखला जा, एक बार जा, जा, जा। मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। आजा सेक्स करेंगे, सेक्स करेंगे, आजा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। खड़ा होता भी है या नहीं? वो सुड़ी लंडी साली, मैं तेरे को एक सरप्राइज बताऊं, नया आया है कोरोना फ्लेवर का कंडम, वो लगा के कुछ चुप कर। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। So I was lying there with my legs wide apart and then he told me, मेरा लौड़ा ले, लौड़ा लो। Excuse me. Yes. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। I love you. तमीज से बोलो। Sex करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। खड़ा होता भी है या नहीं? सेक्स कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आज सलमान का गाना रिलीज हुआ है तेरे बिन, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और दुनिया जानती है कि वो बहुत ही बुरे सिंगर हैं। अगर उनका गाना गधा भी सुन ले तो वो भी हिन हिनाकर भाग जाता है। सलमान भाई ने एक और अच्छी बात की है इस गाने में कि उन्होंने अपनी एज के हिसाब से रोल प्ले किया है, यानी वो फादर बने हैं एक बच्ची के, हालांकि वो दादा की उम्र के हैं। इस गाने का डायरेक्शन देख करके संजय लीला बंशाली और राजू हिरानी कोमा में चले जाएंगे। बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के कान मारो। वापस आ गया तू, फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा।